Hello everyone. Yesterday we did the exercise number 1, which is given in page number 12. So today we will do the exercise number 2, which is given in page number 13. So take out your book, open the page number 13 and listen to me carefully. तो कल हमने page number 12 पे जो exercise थे, exercise number 1, तो उसमें हम लोगों को N नहीं तो A डाल के sentence पूरे करने थे, ठीक है? तो उसको हमने किया और आज हम लोग पेज नंबर 13 के जो एक्सरसाइज दिए गए हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो आपको वीडियो पूरा देखिए अच्छे से, ठीक है? अच्छे से देखिए, समझे, इसके बाद करें, ओके? चलिए शुरू करते हैं। ये है 2 है, ठीक है? एक्सरसाइज नंबर 2 क्या कहा गया है आपको, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। पढ़ने के बाद क्या लिखना है वो समझ के लिखना है। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट यू सी इन ईच, ठीक है? अब पिक्चर्स को देखना, पिक्चर यहाँ पे 3 पिक्चर दिए गए, पिक्चर 1, पिक्चर 2 एंड पिक्चर 3। तो पिक्चर 1 पे जो दिए गए हैं क्या क्या दिख रहा है आपको, उसको लिखना है और उसमें अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो उसके आगे ए लगाना है और वोवल साउंड दे रहा है तो उसके आगे एन लगाना है। देखिए मैं अभी लिख के बताता हूँ आपको, आप ध्यान से देखिए, ठीक है? तो यहाँ पे है ए, ये पहले लिख के दिया गया ए ट्री, ठीक है? आपको ट्री दिख रहा है ना, इसमें बोला गया क्या क्या दिख रहा है उसको लिखना है। तो क्या दिख रहा है आपको, एक ट्री दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है, एक मंकी दिख रहा है, ए मॉन्की, और दूसरा क्या देख रहा है, क्या दिख रहा है, ए बॉय, बॉय बॉय दिख रहा है ना, तो बॉय में भी ए लगेगा। और क्या दिख रहा है, मैंगो, मैंगो मैंगो क्या के भी ए लगेगा, ए मैंगो। दूसरा क्या दिख रहा है, बर्ड दिख रहा है ना, बर्ड, बर्ड में भी ए लगेगा क्योंकि ये सारे क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं, इसके लिए इसके आगे ए लग रहा है, ठीक है? आपको बोला गया क्या दिख रहा है आपको, एक ट्री दिख रहा है, एक ट्री दिख रहा है, एक मंकी दिख रहा है, एक बॉय दिख रहा है, एक मैंगो दिख रहा है, एक बर्ड दिख रहा है। तो अगर वो वर्ड कॉन्सोनेंट में है इसके लिए यहाँ पे ए लगा है, ठीक है? अगर वोवेल रहेगा तो एन लगेगा, ओके? तो दूसरा देखते हैं, पिक्चर नंबर 2 में क्या है, अम्ब्रेला ऑल मेंट एप्पल, ठीक है? तो सबसे यहाँ पे पहले लिखा हुआ है एन, इसमें एन लगेगा क्योंकि ये ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, ठीक है? दूसरा क्या दिख रहा है आपको, अम्ब्रेला, एक छतरी दिख रहा है ना, इसमें भी एन लगेगा, अम्ब्रेला है ना, अम्ब्रेला, ठीक है? दूसरा इसके बाद क्या, एप्पल, ये भी एन एप्पल। इसके बाद क्या दिख रहा है, एग, एन एग, ओके? इसके बाद क्या दिख रहा है, ऑरेंज, एन ओ रेंज। इसके बाद गो टू द नेक्स्ट पिक्चर, दैट इज पिक्चर नंबर 3। यहाँ पे देखिए ध्यान से आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको सारे कॉन्सोनेंट मिले, यहाँ पे सारे वोवल मिले, ठीक है? अभी पिक्चर 3 में क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे है जिराफ है, ऑस्ट्रिच है, स्नेक है, एलिफेंट है, क्रोकोडाइल है। तो यहाँ पे ए स्नेक, स्नेक हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसके लिए इसके आगे ए लग रहा है। इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है आपको, बोलिए क्या दिख रहा है, जिराफ, ए, इसमें भी ए लगेगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है ना, ये भी जिराफ लगेगा। दूसरा ऑस्ट्रिच, ये एन लगेगा क्योंकि ओ है ना, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच। इसके बाद क्या दिख रहा है, एलिफेंट, इसमें भी एन आएगा, एन एन एलिफेंट। इसके बाद क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, इसके लिए यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा, ये हो गया क्रोकोडाइल, ठीक है? आपको आपको जैसे लाइन बाय लाइन लिखी है वैसे लिखने की जरूरत नहीं, आप अपने कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं, आप मैंगो को पहले लिख सकते हैं, बॉय को बाद में लिख सकते हैं, एप्पल को नीचे, एग को ऊपर लिख सकते हैं, ऑस्ट्रिच को नीचे, एलिफेंट को ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन आपको सही लिखना है, ठीक है? यानी कि सही मतलब कॉन्सोनेंट वर्ड रहेगा तो उसके आगे आपको ए लिखना है, जो भी कॉन्सोनेंट वाले साउंड आएगा तो उसके आगे ए लगाना है, और वोवेल जिसमें आएगा जो ए ई आई ओ यू से शुरू होता है तो उसके आगे एन लगाया जाता है, ठीक है? तो वैसे ही करना, तो आपका होमवर्क यही होगा आज का, ठीक है? ठीक, तो आप भी समझ में आ गए पेज नंबर 13 का, ये सारा आप पेंसिल से बुक में करेंगे, ठीक है? पेंसिल से बुक में करेंगे, ठीक है? बुक में ही करके, और क्लास वर्क कॉपी पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो बुक में ही पेंसिल से लिख के आप मुझे इसका फोटो खींच के मुझे भेजेंगे, ओके? सो थैंक यू ऑल, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।